नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टूरिस्ट पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और जैसा कि हमने कल से यानी कि 8 जनवरी से वन लाइनर क्वेश्चंस की शुरुआत की है, जिसमें हम रोज़ वीडियो में 15 क्वेश्चन कम से कम समय में करने की कोशिश करते हैं। कल का मैंने वीडियो जो डाला था उसमें सामूहिक क्वेश्चन थे पर्यावरण के, लेकिन सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव एवं मित्र। पर्यावरण का सिलेबस क्या है इसके लिए मैं वीडियो इस वीडियो के बाद ही अपलोड करूँगा और उसी के सीक्वेंस से हम 15-15 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन में देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार के बारे में। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी तरह से देने हैं जिस तरह आप एक परिवार में आप रहते हैं और वहाँ आप किस तरह की भूमिकाएं देखते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इनके जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार में दादा दादी, उनके सारे लड़के, लड़के के लड़के लड़कियां, यानी अंकल ताऊ बुआ, ये सब लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। नीचे हम क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला इसमें लिखा, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो उनमें से उसका उत्तर ये रहेगा कि एक ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ उनके माता पिता व अविवाहित बच्चे हों, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ हमें परिवार से प्राप्त होता है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ और बच्चे रहते हैं वह कहलाता है, तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। बात करूँगा, हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है यह बताना है। तो अधिक प्रचलित होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें जनसंख्या कम रहती है, महंगाई भी कम होती है और कलह की संभावना भी कम होती है। ये सारे कम होने की वजह से ये सभी इसका आंसर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है? हम किसी परिवार को यदि पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाने की कोशिश करेंगे तो हम एक ट्री के रूप में उसको दर्शाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 आंसर हैं, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, पारिवारिक वृक्ष से, या किसी एक से। तो हम पारिवारिक वृक्ष यानी तीसरा इसका सही उत्तर रहेगा। सातवां हमारा क्वेश्चन है, परिवार की कल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है? तो परिवार क्यों होता है, आखिर लोग परिवार क्यों बनाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है, मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्व के निर्वहन की भावना। तो हमें जो नीचे के 3 कारण दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक भी हमें परिवार बनाने के लिए उचित नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मानव अकेला रहता है इसलिए तो परिवार बनाता नहीं है, कार्य करने में परेशानी होती इसलिए भी नहीं बनाता है, और उत्तरदायित्व के निर्वहन करना उसको ज़रूरी है ऐसा तो कहीं है नहीं। लेकिन समाज में यदि मानव रहता है, वह एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको परिवार बनाना है। तो इसका पहला उत्तर सही रहेगा, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटे बालक के समाजीकरण में खेलों का क्या लाभ है? यदि छोटे बालक को हम समाज के अंतर्गत रहकर ही यदि हम कोई खेल खिलवाते हैं या उसको खेलना सिखाते हैं तो उससे क्या होता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। वह परिवार में रहकर खेलता है तो वह परिवार के अनुकूल स्थितियों को समझना चालू कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती? संयुक्त परिवार में जैसा कि हमने जाना अभी कि उसमें अंकल आंटी दादा दादी ताऊ और बच्चे विवाहित, सबके बच्चे, उनके विवाहित बच्चे सब संयुक्त रूप से रहते हैं। तो उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं? तो बच्चे जो रहते हैं वो बड़ों पर आश्रित रहते हैं, वृद्ध रहते हैं वो उनके बच्चों पर आश्रित रहते हैं, और जो अस्वस्थ लोग हैं ये तीनों ही आश्रित होते हैं एक संयुक्त परिवार में, जो कि बाकी घर के सदस्यों पर आश्रय देते हैं जो कि कमाते हैं। तो इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा फोर्थ नंबर का, ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं क्या? ये कथन आपको, यदि आपको जो कथन सत्य लग रहा है उस पर लगाना है, तो सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं, यह तो असत्य हो गया। सब परिवार अलग अलग नियम के अनुसार जीते हैं। माता पिता से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। तीसरा है, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी गड़बड़ नहीं सकती, कम ज़्यादा हो सकती है संख्या। अगला है, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। क्या बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है? क्या उसकी माँ उसको कुछ नहीं सिखाती? क्या वो परिवार में कुछ नहीं सीखता? क्या वह हमारे आसपास के पड़ोस या मोहल्ले में रहकर कुछ नहीं सीखता है? तो पहला, तीसरा और चौथा ये पॉइंट हमारे गलत हो गए यहाँ पर। और माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ये कि उनका आनुवंशिक गुण है। तो इसका दूसरा जो उत्तर है वो सही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? यानी कि एक ही खून किस तरह के परिवार में होता है? तो संयुक्त परिवार रहता है, उसमें दादाजी रहते हैं, उनके चार बच्चे रहते हैं, चार के फिर चार बच्चे रहते हैं, इस तरह से सब एक का ही रखते रहते हैं जो कि हमारे दादाजी रहते हैं। तो एकल और संयुक्त दोनों परिवार इसमें उत्तर आएगा। तो इसका थर्ड नंबर का जो आंसर है वो आएगा कि दोनों परिवार में समरक्त का संबंध होता है। अब अगला क्वेश्चन है, आर्यन कक्षा 5वीं में पढ़ता है तथा आर्यन व सुशील अच्छे मित्र हैं, तब सुशील उसकी सहायता कहाँ करेगा? मतलब किन किन परिस्थितियों में सुशील सहायता करेगा आर्यन की? तो आपको पता है, अच्छा मित्र अच्छी या बुरी दोनों परिस्थितियों में दोस्त की सहायता करता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। तो वह उसके प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख तीनों स्थानों पर उसकी सहायता करेगा। इसलिए इसका फोर्थ नंबर का उत्तर रहेगा जो कि इन सभी में उसकी सहायता करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिवार से आशय है। परिवार क्या है? परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है। तो ये तीनों इसके सही उत्तर है। तो इसका उपरोक्त तो सभी है, ये सभी उत्तर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, परिवार की विशेषता है वंशानुगत संबंध, यानी कि हम संबंध परिवार स्थापित करते ताकि हमारा वंश आगे बढ़ा रहे। सामाजिक संस्था, एक सामाजिक संस्था होती है परिवार अपने आप में। वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार है, बच्चे होंगे, उनका विवाह होगा, तो ये भी इसमें अनिवार्य होता है। यानी कि फोर्थ नंबर का इसमें आपका आंसर रहेगा जो कि उपरोक्त सभी रहेगा। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? जो कि शायद थर्ड नंबर पे हमने इसको कर लिया कि परिवार से होता है। तो इसमें तीन ऑप्शन और है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक क्षेत्र से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहला पाठ अपनी माँ से सीखते हैं, और माँ के बाद परिवार में रहकर वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आज के इस अध्याय में हमने जो हमारा टॉपिक था जिसके अंतर्गत मानव एवं मित्र था, तो इसमें हमने देखा कि परिवार और मित्र के अनुसार जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, या परिवार से संबंधित हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, संयुक्त परिवार है या फिर हम एकल परिवार में रहते हैं। तो मैंने जो सिंगल सिंगल आपके इसमें आंसर दिए हैं, इनमें आवश्यकता नहीं थी कि इनके चार विकल्प दिए जाएँ, लेकिन जिनमें मैंने चार चार विकल्प दिए हैं उनमें आवश्यकता थी कि आप समझे कि ये भी कुछ मिलते जुलते ही कारण हैं, तो हम वहाँ किसी भी तरीके से हमें परेशानी ना आए उसका सही उत्तर लगाने में। इसलिए जिनके यह सभी उत्तर है उनके हमने चार चार इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके सिलेबस का वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और यदि आपके वर्ग 3 के इन्वायरमेंट के लिए यह वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मुझे इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले की वीडियो के लिए मिलते हैं कल।